हश्र हो रहा है, इस बात की जानकारी आपको लग चुकी होगी। झारखंड में विधायक सदन से बाहर ही नहीं निकल रहे, अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उसके बाद मार्शल आउट करके सांसदों को बोरी की तरह बाहर निकाला जा रहा है। पहले आप तस्वीर देखिए और समझिए कि सांसदों का क्या हश्र किया गया है। नहीं चलेगी। युवाओं के सवालों का जवाब देना होगा। हेमंत सरकार मुर्दाबाद। चलो। हेमंत सरकार मुर्दाबाद। वाले चलो ना जी। युवा विरोधी सरकार भारत। नौजवानों को नौकरी देना होगा। सहायक कर्मियों का अस्थायी समाधान करना होगा। आपने देखा कि किस तरीके से सांसदों को मार्शल आउट करके बाहर निकाला जा रहा है, और ये सब कुछ झारखंड की विधानसभा में हो रहा है। झारखंड विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विपक्ष के तमाम विधायक जवाब मांग रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि 2019 के चुनावी मैदान में, 2019 के चुनावी दौरों में हेमंत सोरेन ने जो चुनावी भाषण दी थी, जो वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ, और उस वादा पर अभी मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बयान देना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बयान नहीं दे रहे हैं, इसको लेकर विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। विपक्ष के विधायकों ने रात तक वहीं पर बैठने का, धरना देने का मन बनाया। सदन की कार्यवाही समाप्त हो गई, विधानसभा अध्यक्ष ने सदन स्थगित कर दी, लेकिन इसके बावजूद तमाम विधायक सदन में ही मौजूद रहे। उसके बाद जब रात हुई तो मार्शल आउट करके बाहर किया गया, लेकिन बाहर भी लॉबी में रात भर धरना देकर तमाम विधायक बैठे हुए थे। इसके बाद हेमंत सोरेन ने विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की। हेमंत सोरेन ने कहा कि आपकी क्या परेशानी है, उन्हें मनाने की कोशिश की गई, तो विधायकों ने कहा कि आपको बयान देना होगा। उसके बाद शुक्रवार का दिन है, यानी कि कल, जब हेमंत सोरेन विधानसभा आएंगे और इस पूरे वाक्य को लेकर भाषण देंगे। लेकिन आप सोचिए कि विधायक इस बात पर ऐसे अड़े हुए हैं कि सदन छोड़ ही नहीं रहे, सदन में ही रहना है, सदन में ही सोना है। उसके बाद मार्शल आउट करके जो बाहर निकाला जा रहा है, तस्वीर बयां की जा रही है कि बोरे की तरह विधायकों को उठाया जा रहा है और उसके बाद सदन से बाहर किया जा रहा है। सवाल उठ रहा है लोकतंत्र पर कि क्या लोकतंत्र का हश्र किया जा रहा है। विपक्ष की बातों को दरकिनार कर रहे हैं मुख्यमंत्री और विधायक, सदन में रात भर गुजारने के लिए विवश हो गए हैं। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।